नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश सहित जिला रायसेन में कोरोना से सतर्कता, सजगता और सावधानी बरतने के लिए मंगलवार को सुबह 11 बजे कोरोना सायरन की आवाज के साथ रायसेन नगर थम गया। जहां था वहीं रुक गया कोरोना संक्रमण को दूर भगाने का संकल्प लिया। संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित रायसेन जिले में भी कोरोना संक्रमण रोकथाम और जागरूकता को लेकर मंगलवार को संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार सुबह 11 बजे सायरन की आवाज के साथ रायसेन शहर थम गया। इसके साथ ही जिलाधिकारियों ने एक कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली निकालकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरण किया और लोगों को समझाइश दी। चेहरे पर मास्क आवश्यक रूप से लगाएं जिससे कि कोरोना संक्रमण रोका जा सके। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण काल अब दोबारा शुरू हो चुका है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा के नारे के साथ शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि हमेशा मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और लोगों को भी इस प्रति जागरूक करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। अभियान चला रही मास्क पहनने के लिए, क्या आपकी तैयारी है? कोरोना को दूर भगाना है, आज से हम सभी प्रण करें, हम सबको हमेशा मास्क लगाना है। किस तरीके से आप जागरूक करेंगे लोगों को? हम समझाइश देके जागरूक करेंगे, समझाइश से नहीं माने तो 100 रुपए का चालान काटेंगे। हम लोग प्रतिदिन 200 से 250 चालान पूरे जिले में काट रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति बार बार समझाने पर कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नहीं मानता तो हम आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करेंगे। पिछली बार लॉकडाउन में जैसी सख्ती हुई थी, इस बार आप केवल मास्क लगाने के लिए सख्ती की जाएगी? मास्क लगाने के लिए ज़्यादा सख्ती पुलिस करेगी? मास्क लगाने पर सख्ती की जाएगी। इसमें जैसा आप पूछ रहे हैं मैडम से, मास्क लगाने पर सख्ती करें और आगे जो संदेश दिया, क्या है आपका उद्देश्य कि लोग बार जागरूक हों? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे उस निर्देश के पालन में इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जिले के सभी अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर हैं, पुलिस अधीक्षक मैडम हैं, हमें CMHO साहब हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण वो लोग भी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों में जो कोरोना महामारी है इसके प्रति जन जागृति फैलाना, कि हम सब लोग एक उचित दूरी बनाए रखें और अपना मास्क पहन करके रखें ताकि हम खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। आपने जैसा कि देखा, हम लोगों ने एक वहाँ से एक मार्च भी निकाला हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में जन जागृति है कि हम मास्क पहन करके रखें। मास्क भी बांटे आप लोगों ने? जो हमने मास्क भी बांटे, ये अभियान हम प्रतिदिन चलाएँगे मंडी द्वीप में, जितने हमारे कस्बे हैं सभी जगह हुआ है। फिर कल से हम लोग भी हर जगह छोटे छोटे कस्बे जो हमारे नगरीय निकाय हैं, चाहे गैरतगंज हो, सिलवानी हो, बेगमगंज हो, बरेली हो, बाड़ी हो, सभी जगह जाएंगे और जन जागृति फैलाएंगे। आपसे भी मेरा अनुरोध है मीडिया के मित्रों से कि आप भी लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करें ताकि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ सकें और हम अपने आप को और अपने समाज को इस महामारी से बचा सकें। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए कि बिना मास्क के? व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ये निर्देश एसपी मैडम ने और हमारे दोनों के द्वारा दिए गए 144 में हमने ऑर्डर निकाला है कि जितनी भी दुकानें हैं वो दुकानें सभी लोग मास्क पहन करके रखेंगे, दुकानों के सामने उचित दूरी से गोले बना करके रखेंगे और यदि कोई बिना मास्क पहन के आता है तो उसको हतोत्साहित करेंगे, भैया आप जाओ पहले मास्क पहन के आओ तभी हम आपको सामान देंगे। और उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सभी हमारे थानों में हमारे जो थाना प्रभारी हैं, हमारे जो तहसीलदार हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं, सब लोग 100 रुपये फाइन कर रहे हैं और यदि कोई दुकानदार मास्क पहने नहीं मिलेगा तो पहले हम समझाइश देंगे, फिर भी नहीं मानता 1 दिन दुकान बंद करेंगे, फिर भी नहीं मानता तो आगे हम उसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी दुकान बंद करेंगे।